विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन, परिवार का कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराया और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं। तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खांसी है और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रांग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जिस तरीके का इलाज दिया जा रहा था क्या वो इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं, इलाज के नाम पर तो सिर्फ ढोंग होता है। आप 10 बार 20 बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे और वो भी थर्मोमीटर लगाएंगे, बीपी नापेंगे और चले जाएंगे। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, किस दल से चुनाव लड़ेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चलिए ये सब वक्त आने पर बताया जाएगा। वो 4 बार ऑलरेडी जेल में से रह कर चुनाव लड़ चुके हैं, वक्त आने पर सारी चीजों का खुलासा। क्या माना जा रहा है कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, आगामी विधानसभा आ रहे हैं और ये अंदर हैं, क्या बाहर आने की उम्मीद है? इस समय ये अंदर हैं और अंदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब जिले का SP और जिले का DM हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और SOG के लोग SP और DM साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है और वही बचा रहा है। जी ने आपसे इस विषय में कोई चर्चा की? इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया, SOG के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, SP साहब का, DM साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीजन है, इस देश के नागरिक हैं और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये सरकार बहुत जुल्म कर चुकी। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकें। भैया ये बताइए, जैसे सुरक्षा है, SP साहब और DM साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ SOG के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के, कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको 4th स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया के बंधुओं भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आए। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव और आगे के लिए। वो बृजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं, अगर बृजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस बृजेश सिंह के भविष्य का जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है? एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, बृजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम, और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह, और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा? इसलिए ये सारा कुकर्म रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है।
आप लोग बस यहाँ है देखे रहिएगा विधायक ना।